नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी। अब वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। यमुनानगर पुलिस द्वारा नशीली दवाओं के सेवन और तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसके लिए यमुनानगर पुलिस द्वारा जिला सचिवालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें यमुनानगर के एसपी, डीएसपी, डिप्टी सीएमओ, कॉलेज के टीचर्स, मेडिकल एसोसिएशन, आम जनता, समाज सेवी और पुलिस विभाग के सभी थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में नशे पर कैसे रोक लगाई जाए, इस पर चर्चा की गई। वहीं आम जनता ने भी पुलिस को कई सुझाव दिए। एक यूएन के द्वारा संचालित एक दिन तय किया गया है। यूएन के जितने भी देश जो उसमें भागीदार हैं यूनाइटेड नेशंस में, उनकी तरफ से सभी को ये आदेश है कि 26 जून ये हमेशा की तरह हर साल ये इंटरनेशनल एंटी ड्रग एब्यूज़ डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाए। इस दिन सभी देशों को ये निर्देश है यूएन की तरफ से कि जो ये एक मैनेस नशे का जो एक जो नशा का जो ये कुरीति है जो चल चुकी है, इसको कर्ब करने के लिए स्पेशल कैंपेन चलाई जाए। वैसे तो पूरे साल हम हर एक डिपार्टमेंट के साथ मिलके इसको रेडिकेट करने के हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन ये कुछ एक स्पेशल डेज हैं। पूरा महीना लगाओ इसको, फोर्टनाइट लगाओ, जिसमें कि स्पेशल कैंपेन चला के हम पर्टिकुलरली बाकी सारा काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ नशे के कारोबार पे हम धरपकड़ करते हैं, ताकि मैक्सिमम की हम कमर तोड़ सकें और ये मैसेज दे सकें कि भी ये एक कुरीति है और सबने मिलके इसमें भागीदार करके इसको हटाना है। सर, सुझाव भी दिए गए एक जो है सुझाव आए हैं इसमें। बेसिकली सभी जो संबंधित नशे के व्यापार से लेके जो इसको कंज्यूम करता है या इसको जो सेल करता है, उन सभी संबंधित विभागों से, चाहे वो केमिस्ट एसोसिएशन थी, सेक्शन संस्थान थे, हमारे ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर आए हुए थे, पुलिस स्वयं एसपी साहब इसमें बैठे थे, तो ये सभी संबंधित लोग हैं इसमें। मीडिया, आप लोगों का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि आप फोर्थ पिलर हो डेमोक्रेसी का। और सबसे ज़्यादा जो है ये जो चलेगा, प्रोग्राम चलेगा, इसकी सबसे ज़्यादा जो पब्लिसिटी है आप लोगों के हाथ में। तो सभी की तरफ से सभी की तरफ से सुझाव आए हैं। उन सुझावों में शिकायत भी थी, उनको लिख लिया गया है और समय रहते उनके ऊपर हम कार्य करेंगे। और मैं इस चीज़ की अश्योरेंस देता हूँ कि जो भी कमियाँ हैं, जो किसी भी डिपार्टमेंट की पता लगी हैं, उनको सुचारू रूप से एड्रेस किया जाएगा और उन्हें दूर किया जाएगा। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी प्रकार की खबरों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।